यूं तो उत्तराखंड अपनी लोक कला व लोक संस्कृति के लिए मशहूर है। उत्तराखंड के ही द्वाराहाट तहसील में जुटता है स्यालदेह बिखोती का मेला। यह मेला झोड़ा गायन परंपरा के लिए प्रसिद्ध है और ओड़ा भेटने के लिए भी यह मेला जाना जाता है। ओड़ा भेटने की परंपरा क्या है और इसमें कैसे इसको मनाते हैं? ये ओड़ा भेटने की परंपरा ये है, जब तीन पट्टियों का जब यहाँ पर मेला जुड़ता था तो जो मल्ला दौरा के जो लोग उनको कैड़ो पट्टी कहते थे, उन पट्टियों के बीच में जो बिचल्ला दौरा और तल्ला दौरा वालों का झगड़ा होने से जो कैड़ो पट्टी का जो सरदार था वो लड़ाई में मारा गया, और लड़ाई में जब मारा गया तो उसका जो सरदार था उसका सिर काट के यहाँ पर बीच स्टेशन चौराह में उसको गाड़ दिया गया। तो तब से प्रतिवर्ष ओड़ा भेटी की रस्म टाइप से शुरू हुई। किसी जमाने में बहुत पहले दो समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ था, तो द्वाराहाट क्षेत्र की तीन पट्टियों के लोगों ने कैड़ोरा पट्टी के सरदार को मार दिया था। अब इस पट्टी के लोग जश्न के रूप में, खुशी के रूप में उस ओड़ा को मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर लकड़ी से प्रहार करके उस पत्थर को मारा जाता है, वहां पर कैड़ोरा घाटी के सरदार की गर्दन काट के डाली गई थी। ओड़ा भेटने का क्या मतलब है, मतलब लोग क्या करते हैं उस वक्त? ओड़ा भेटने के लोग ओड़ा के ऊपर से अपने नगारे निशानों से और क्या कहते हैं लाठी डंडों से उसके ऊपर ओड़े के ऊपर मारते हैं, मतलब एक विजय स्वरूप अपना वो बनाते हैं। उस दिन कैड़ा पट्टी के जो लोग हैं वो मेले में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो मतलब यहाँ तक हमने सुना कि उस दिन वो कांसे की थाली में अपना खाना खाते हैं, अपना शोभ मनाते हैं। उत्तराखंड द्वाराहाट से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ट के लिए।